खोलते दिल में कैसे ठहर जाता है हाथ, तांत्रिक को क्यों ताती आग, कागज है दुश्मन की तस्वीर, रात आएगा कट्टर दुश्मन। नमो हाथ में ठिक रहा खेले मसान लागे दवा खड़ा लोही का भरे, मेरा बैरी मेरा चखे तो ले चखे, दूसरे की चौकी उठाकर मेरी चौकी तो लगती चोटी मदकती खाक। गुरु प्रणाम। प्रणाम। कैसे हैं गुरु जी? बस ठीक है मनोज जी, बताओ आप कैसे? कैसी रही आपकी दिवाली? मनोज जी में तो मैंने तांत्रिक अनुष्ठान किए, पूजा पाठ किए, लोगों के लिए उनके टोटके, अब कितना लाभ उन्हें होता है तो वही बताएंगे। गुरु जी आज फिर मैं कुछ के साथ आपके पास आया हूँ। जैसा कि आपने पिछली बार कहा था कि आप आना तो मैं आपको बताऊँ, तो हमारे लिए आज क्या आदेश है? कुछ जिज्ञासा है, पहले तो आज आप ही से देखना चाहेंगे कि आप क्या दिखाएंगे। ये आपने कहावत सुनी है कि सर कढ़ाई जी, यानी कढ़ाई। आज मैं बताऊंगा कि खौलते हुए तेल में हाथ हाथ नहीं जलता। तो आज आपने ये कढ़ाई इसीलिए यहाँ पर रखी हुई है? बिल्कुल सही। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि तेल खोल रहा है और हाथ उसमें डाले जाएं और हाथ? मैं पहले बताऊंगा और कर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। देखिए मनोज जी, इस तरह तेल में हाथ डाला जाता है तेल गर्म होने के बाद। देखिए आप मेरा हाथ बिल्कुल, आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल इसके अंदर है। आपको गर्म नहीं लग रहा गुरुदेव? ये तो चमत्कार है, बिल्कुल आनंद आ रहा है। आग के ऊपर इस तरह से कढ़ाई रखी जाती है, उसमें तेल डाला जाता है और उस तेल में देखिए मेरा हाथ किस तरह से तैर रहा है। ये रहा कढ़ाई, पांचों उंगलियां घी में, पर घी तो है नहीं, तो आपको हम तेल में ही करके दिखाएंगे। कोई नहीं, लेकिन मैं लाइए दिखाओ लीजिए। क्या हुआ? ये तो गर्म हो रहा है। आप अपना हाथ डालिए अंदर इसके। जो वाक्य में तेल है देखिए, डालने से अगर आग में छोड़ा जा रहा है तो अगर ये पानी जी, तो पानी डालने से आग बुझती है, भड़कती नहीं। ये देखिए आप देख रहे हैं, नहीं हो रहा है। ये तेल गरम नहीं, लगातार बहुत देर से इसके अंदर आग जल रही है और ये गर्म नहीं हो रहा, और हम इस तेल को अगर कढ़ाई में से निकाल के बाहर छोड़ रहे हैं तो ये आग पकड़ता है। आपने उबलते हुए तेल, मनोज जी आपने देखा कितनी से ये उबल रहा था जी, कितनी तेजी से ये उबल रहा था कि खोलता हुआ नहीं पड़ रहा, लेकिन अब जब हमने इसमें हाथ डाला शांत हो गया, तो ये शांत हो गया। जो उबलना हो रहा था इसके, जो उबल हो इसके अंदर जो उबाल आ रहा था हमारे हाथ डालते ही वो शांत हो गया जी। क्यों ऐसा? मैं अब आपको इसके बारे में बताऊंगा। पकाने का जो तेल होता है जी, वो मैंने पहले इसमें डाला,
उसके बाद मैंने उसमें ये लिक्विड पैराफिन नाम का तेल, ये केमिकल होता है लिक्विड पैराफिन, इसे मैंने खाने के तेल में मिला दिया। इसके मिलाने से उस तेल का ज्वलन जो होता है, जो गर्म होता है, जिस तरह से तेजी के साथ गर्म होना, वो नहीं होता। इस तेल को मिलाने से हमें लगता है कि इसमें काफी तेजी से गर्म हो रहा है, लेकिन वो गर्म नहीं हो रहा है। वो सिर्फ तेल अपनी रिएक्शन क्रिया कर रहा है, उसके अंदर जो तेल है उसके कर रहा है, अपना खाना पकाने का तेल नहीं गर्म हो रहा है। इसके मैंने केमिकल इसमें मिक्स किया, वो गर्म हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल ठंडा रहता है। तो गुरुजी, आपका कहने का मतलब है कि इसकी एक केमिकल रिएक्शन है? बिल्कुल। और उस केमिकल के रिएक्शन की वजह से ये तेल हमको उबलता हुआ नजर आता है, अंदर से ठंडा होता है। तो गुरुजी, क्या इस प्रयोग को आम लोग घरों में भी कर सकते हैं? जी नहीं मनोज जी, ये एक खतरनाक रासायनिक प्रयोग है। कृपया करके मैं आपके दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि वो प्रयोग को न दोहराए। मेरे ख्याल से बाबा, जो बात आपने बताई उसमें पूर्णता सत्यता है कि अगर हमने इसकी पूरी विधि अपने दर्शकों को तो वो इस चीज को जरूर दोहराएंगे। मेरे ख्याल से जो लोग अभी हमको देख रहे हैं और इस तरीके के प्रयोग को भी जिन लोगों ने देखा है, तो उनसे हमारी भी निवेदन है इस तरीके का प्रयोग ना दोहराएं। लेकिन इसी श्रृंखला में जिन लोगों ने हम प्रश्न किए हैं कि क्या जो कपूर होता है उसको लोग बाग अपने मुंह में हाथ में रखे, क्या ऐसा चमत्कार होता है या हाथ सफाई होती है, तो इस बारे में भी हम बाबा से जानते हैं कि गुरुजी उस वो सब क्या होता है कि हाथ में जो कपूर ले लिया जाता है, कपूर को लेके वो आरती करते हैं और बाद में उसको मुंह में रख लेते हैं, वो विधि क्या है? कि हाथ में जो कपूर ले लिया जाता है और कपूर को लेके वो आरती करते हैं, बाद में उसको मुंह में रख लेते हैं, वो विधि क्या है? ये चमत्कार मैं पहले महाकाली के सामने करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। जय महाकाली, जय महाकाली, ओम काली, महाकाली, ओम काली, महाकाली, कमुंडाए, महाकाली, ओम काली, महाकाली, कमुंडाए, महाकाली, ओम काली, ओम काली, महाकाली, कमुंडाए, महाकाली, ओम काली, महाकाली, कमुंडाए, महाकाली। जो पाखंडी लोग होते हैं, दूसरों को जो बेवकूफ बनाते हैं, वो कपूर के नीचे पेट्रोलियम जेली या किसी तरह का एक केमिकल आता है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा आपको, वो रख कर आरती करके दिखाते हैं। तो इसी श्रृंखला के अंदर जैसे कि कपूर को जलाकर और लोग बाग खा जाते हैं या मुंह में रख लेते हैं, आग को मुंह में रख लेते हैं, वो क्या चीज होती है? वो अग्नि को खाना, वो आग अगर खाकर दिखाए तो वो आग अंदर जाने के बाद बुझ जाती है, जलती नहीं, क्योंकि आग हम उसको कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपको खाकर दिखाता हूँ। अब जलाएंगे, अभी मैं खाकर दिखाता हूँ और इसके बाद मैं आपको खिलाऊंगा। ये तो बिल्कुल आग का भोजन हो गया। मनोज जी, अब मैं आपको कपूर खिला के दिखाता हूँ। अजीब लाई अपने, मनोज जी खा लीजिए आप। मनोज जी, जब हम कपूर खा लेते हैं उसके कपूर हमारे मुंह में जाकर शांत हो जाता है, बुझ जाता है, क्योंकि हमारे
जीवान जो होती है जबान, उसमें तरल पदार्थ होता है और उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि कोई भी चीज को जलने के लिए, जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन उसे मिलेगी, हवा मिलेगी, तो वो जलेगा, वरना वो बुझ जाए। गुरुजी, मतलब ये है कि जब हम जलते हुए कपूर को अपने मुंह के अंदर लेते हैं तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए वो अंदर जाके अपने आप बुझ जाता है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने भी किया। सही बात। मनोज जी, मैं आपके दर्शकों से दोबारा बार बार यही कहूंगा कि इस प्रयोग को न दोहराएं। इसी श्रृंखला में गुरुजी, हमारे एक और दर्शक हैं जो कि मद्रास से चेन्नई से हैं, कहा कि हम एक बाबा जी के पास गए और उन्होंने जाकर देखा, उनके ऊपर से थोड़ी देर बातचीत करी और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रुको, तुम्हें मैं एक चीज दिखाता हूँ कि तुम्हारी देवी प्रसन्न है या नहीं है। उन्होंने एक नारियल लिया और उसका उतारा पूरे परिवार के ऊपर से किया और उस नारियल को इस तरीके से कुछ किया कि आप थोड़ा उसमें, उन्होंने कहा कि थोड़ा उसको कि उसमें से फूल निकली, वो चीज। मनोज जी, मैं आपके उस दर्शक के सवाल का जवाब दूंगा और बताऊंगा कि वो कैसे नारियल में से फूल और खुशबू निकल रही थी। तो चमत्कार को मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। मनोज जी, लीजिए मनोज जी नारियल। नारियल है मनोज जी? जी बिल्कुल नारियल है। अब मैं आपको बताऊंगा ये चमत्कार कैसे किया। मनोज जी, मैं इसकी पूजा करता हूँ। अब मैं इसे आपके ऊपर ही उतार देता हूँ मनोज जी। चलिए, मैं आपके ऊपर से उतारता हूँ। ओम 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 जी। इसकी प्रक्रिया होती है वो काफी लंबी होती है, उतारा किया जाता है काफी देर तक, ताकि सामने वाले को ये विश्वास हो जाए कि ये मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा है। आपके सामने निकल रहा है। मेरे ख्याल से जो हमारे दर्शक ने प्रश्न किया है और उसको ये जवाब भी मिला होगा कि फूल तो आ गए और ये फूल गुड़गड़ या अपने को एक छेक नजर आ रहा है। इस नारियल को काट कर दो टुकड़े किए जाते हैं, इसे आरी से काट लिया जाता है। आप ये देख रहे हैं, इसमें पिन लगी है, पिन लगी है। इसे यहाँ पर लगाया जाता है और ऐसे लगाया जाता है, अंदर से लगाया जाता है। इसमें आलपिन को चारों तरफ से लगा दिया जाता है इस तरह से, ताकि जब दूसरे जो इसका सिरा है, इसका जो हिस्सा है, उसे जब बंद किया जाए तो ये नारियल जो है इसमें जाके बराबर बैठ सके इस तरह से, और ये दब जाता है। बिल्कुल, इस नारियल को किसी चीज से बांध दिया जाता है, आरी से काटने के बाद इसमें फूल भर के अंदर चारों तरफ आलपिन लगाया जाता है और उसे बंद कर दिया जाता है, आलपिन को यू या किसी चिपका दिया जाता है। फिर उसे नारियलों के बीच में रख दिया जाता है या फिर उसे किसी दुकानदार के पास जमा कर दिया जाता है जो उस पाखंडी तांत्रिक से मिला हुआ होता है। इशारे पर वही नारियल उसे देगा जिसके ऊपर से उसका उतारना होता है। तो जहां तक मैं समझता हूँ गुरु, हमारे उस दर्शक को जो कि चेन्नई से थे, उनको ये जवाब भी मिल गया कि किस तरीके से नारियल के अंदर खुशबू और फूल आते हैं। गुरुजी ने हमको वो प्रक्रिया करके दिखाई। प्रक्रिया कई तरीके की होती है, जिसमें से एक प्रक्रिया हमको गुरुजी ने करके दिखाई। गुरुजी, हमारी जिज्ञासा हमारे के दर्शक ने की है, उसने कहा कि मैं अपने एक मित्र के साथ एक बंगाली तांत्रिक के यहाँ गया। उस तांत्रिक ने जाकर थोड़ी देर उसके ऊपर कुछ प्रक्रिया करी और प्रक्रिया करने के बाद बोला कि भाई आपकी पड़ोस की स्त्री ने आपके ऊपर कुछ किया हुआ है। तो उसने कहा मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूं। तो उसने कहा कि मैं अचंभित रह गया कि उस तांत्रिक ने एक पेपर के ऊपर महिला का चित्र उभर के आ गया उसके सामने। कह रहे मैं आज तक उस चीज को समझा नहीं हूं कि वो चीज क्या थी। तो वो जानना चाहते हैं कि हमारी इस जिज्ञासा के ऊपर से मैं बताता हूं कि जब कोई किसी व्यक्ति के पास जाता है या कोई व्यक्ति किसी तांत्रिक के पास जाता है तो तांत्रिक कैसे बेवकूफ बनाते हैं, जब वो कहता है ना कि आपकी पड़ोस में आपके ऊपर आपके रिश्तेदार ने किया है या आपके घर वालों ने किया है या किसी महिला ने किया है, तो कैसे वो उसका चित्र उस पेपर पर अंकित हो जाता है।
वो मैं आपको बताऊंगा। मैं बताता हूँ कि जब कोई किसी व्यक्ति के पास तांत्रिक के पास जाता है तो तांत्रिक कैसे बेवकूफ बनाता है, जब वो कहता है ना कि आपकी पड़ोस में आपके ऊपर आपके रिश्तेदार ने किया है या आपके घर वालों ने किया है या किसी महिला ने किया है, तो कैसे वो उसका चित्र उस पेपर पर अंकित करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये लीजिए पेपर मनोज जी, और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक साधारण से कागज के ऊपर किसी दुश्मन का किसी शत्रु का चित्र अंकित करता है। एक साधारण सा पेपर है, बिल्कुल वाक्य में गुरु जी बिल्कुल सादा एक कागज है जिसको हम देख भी सकते हैं कि एक बिल्कुल सादा कागज है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, और गुरु जी का कहना है कि किस तरीके से उसके ऊपर कोई आकृति आएगी, कैसे आएगी गुरु जी हमें बताएं। मैं आपको बताऊं कि उस तांत्रिक ने जब उस कागज को अग्नि के पास लेकर गया तो कैसे आई पहले हमें दिखाएं। मैं आपको करके दिखाता हूं। जी ठीक है, हम जलाएंगे, एक मोमबत्ती पकड़िए। हमने मोमबत्ती जला जी, कि आपको शत्रु का चित्र कैसे आता है। ओम काली महाकाली, चल जिसने किया है आ जाए। चल काली महाकाली आजा, कौन शत्रु है आजा, चल कौन शत्रु है आजा, किसी और का किया हुआ है। ये किसी लेडीज की आकृति इसके ऊपर उभर के आ गई है। तो गुरुजी ये आकृति तो आ गई, इसमें थोड़ा शायद कालापन आया है, एक बार इसको साफ करके देख लेते हैं। देखिए बिना क्या आकृति आ गई मनोज जी। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, ये एक महिला की आकृति आ गई है, और इसको दिखा के लोग बाग कैसे कह सकते हैं कि भाई ये भी जैसे हमने देखा कि एक कागज बिल्कुल प्लेन था और इसके ऊपर एक महिला की आकृति, एक महिला की आकृति हुई लाइए। मनोज जी ये कागज मुझे दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये आकृति इसके ऊपर आएगी। क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी तांत्रिक के पास जाता है तो सबसे पहले कहता है कि हमें ये बताए हम पर कौन कर रहा है, वो स्त्री है या पुरुष है। इसी बात का फायदा तांत्रिक उठाता है कि वो स्त्री है, क्योंकि स्त्री और पुरुष के अलावा संसार में कुछ नहीं है, तो या तो स्त्री की आकृति दिखाई जाएगी या पुरुष की आकृति दिखाई जाएगी। अब क्या होता है, जो लोग इस आकृति को पहले से बनाकर रखते हैं कागज के ऊपर, मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे इसको बनाकर रखा जाता है। एक तांत्रिक इसे जो ढोंगी तांत्रिक होता है वो कैसे इस आकृति को बनाकर रखता है और उसको बताता है कि देख तुझ पर महिला का किया हुआ है या पुरुष का किया हुआ है। अब मैं आपके सामने खुल के विस्तार से बताता हूँ। कागज ले लिया जी। अब मेरे पास इस कटोरे में रखा है प्याज, अब इसे पकड़िए। अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे इस पर आकृति बनाई जाती है। किसी लकड़ी की सहायता से या किसी कलम की सहायता से इसके ऊपर उसकी आकृति खींची जाती है इस तरह से। ये मैंने इस पर एक महिला की आकृति बना दी मनोज जी की। अब इसे मैं कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट इसे मैं हवा में सूखने के लिए रख दूंगा। उसके बाद जब ये सूख जाएगा या हम इसको अभी आग पे गर्म करें तो मेरे ख्याल से आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, करके देखें गुरुदेव। हाँ, इसे सूखने रखा जाता है, उसके बाद जब आग के पास लाया जाता है या इसकी सिकाई की जाती है
वो तो सुखाते ही होंगे, अपन एक बार इसको करके देख लेते हैं कि आकृति आती है या नहीं आती है। गुरु जी इसको जलाने की भी प्रैक्टिस होती होगी, कितनी देर कितना क्या? वो लोग इसके अंदर महारथी होते हैं, इस क्रिया को करने के लिए वो लोग महारथी होते हैं और इस तरह की क्रियाएं करके दिखाते हैं। ये देखिए गुरुदेव, कुछ गुरु जी कुछ कागज हमारा जल भी गया, लेकिन हमने जैसे इसको सेका तो ये एक आकृति उभर गई। देखिए ये किसी स्त्री की आकृति है, बस बता दिया कि तुम पर किसी महिला का किया हुआ है। गुरु जी जैसे एक सफेद कागज के ऊपर प्याज का रस लगाने से ये आकृति उभर आई, तो हमारे गोरखपुर के जिन दर्शक ने ये प्रश्न किया था कि वो आकृति कैसे आई, तो उनको उनका बात का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास भी ऐसे कुछ चमत्कार है जो आपने कहीं देखे और आप उसके प्रभाव में आए हो, तो आप हमें SMS कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर ZKM टाइप कर अपनी राय हमें 775 पर SMS करें। हमारा पता है काल कपाल महाकाल FC 19 सेक्टर 16A नोएडा उत्तर प्रदेश।